Assalamu alaikum. I am Amina Iftikhar and I am a clinical psychologist. I am working in the field from last 9 years and currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. आज हम बात करेंगे जो कि कॉमनली अगर मैं इस एरा के बात करूँ तो तकरीबन हर घर का एक मसला है कि घर में बच्चों का जो है वो एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ है. जहाँ पर हम स्क्रीन का वर्ड यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट गैजेट्स आ जाते हैं, जिसमें आपका टीवी भी आ जाता है, उसमें आपके लैपटॉप यूज़ भी आ जाता है, उसमें आपका टैबलेट एंड मोबाइल यूज़ भी आ जाता है. अब कहाँ पर हम कहते हैं कि बच्चे स्क्रीन का मिसयूज़ कर रहे हैं या एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का अगर दौर देखा जाए तो हम एक आईटी के उस दौर में हैं जहाँ पर तकरीबन हर बच्चा फैमिलियर होता है और वो टाइम स्पेंड कर रहा होता है अपने डिफरेंट गैजेट्स के साथ. बट जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स आ जाता है तो उसको हम स्क्रीन डिसऑर्डर या स्क्रीन प्रॉब्लम्स में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं. WHO ने अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्क्रीन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के नाम से आइडेंटिफाई किया है कि उन बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं जो कि ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर, मोबाइल पर, टैबलेट पर या टीवी पर गुजार रहे होते हैं. अभी इसको प्रॉपरली डिसऑर्डर का नाम नहीं दिया गया बट इसको प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में जो है वो कंसीडर किया जाता है. अब एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन बच्चों की मेंटल हेल्थ को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, बच्चों की लर्निंग को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, उनकी स्पीच को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है और उनकी ओवरऑल एजुकेशनल परफॉर्मेंस और सोशल लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, अब हम इस वीडियो में ग्रेजुअली उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर हमने बच्चों के लिए लिमिटेशंस रखनी है कि आपका बच्चा अगर स्क्रीन यूज़ कर रहा है तो वो एक लिमिट तक उसके लिए हेल्दी होगा, उसके बाद हम उसको मिसयूज़ में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं. अब स्क्रीन को क्यों डिस्करेज किया जाता है या इसके एक्सेसिव यूज़ को क्यों डिस्करेज किया जाता है, बिकॉज जब एक बच्चा दिन में आलमोस्ट 8 to 9 hours का टाइम स्क्रीन पर गुजार रहा है तो उससे होता ये है कि हमारे जो ब्रेन है वो एक ख़ास तरीके से उसका रिएक्शन करना शुरू कर देता है. लाइक अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो होता है मोबाइल पर, गैजेट्स पर बच्चे या तो गेम खेल रहे होते हैं या पर्टिकुलर कुछ टाइप्स की वीडियो होती हैं जो कि वो बार बार देख रहे होते हैं, जिसमें कुछ राइम्स आ जाती है, कुछ स्पेसिफिक इस तरह की वीडियोज़ होती है जो उनको देख कर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रही होती है. तो इसमें जो ब्रेन मैकेनिज़म होता है, जो ब्रेन का केमिकल्स होते हैं, वो ये होता है कि एक ख़ास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसको हम सेरोटोनिन और डोपामिन बोलते हैं. जब एक्सेसिव यूज़ होता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इन हार्मोन्स को ज़्यादा मकदार में रिलीज़ करना शुरू कर देता है. जो उससे फर्स्ट फीलिंग आती है वो ये होती है कि बच्चों में खुशी का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है. तो जब एक बच्चे को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से खुशी महसूस होती है तो वो उसको दोबारा रिपीट करता है, वो वही खुशी हासिल करने के लिए उसी काम को दोबारा करता है, जिसको हम एडिक्टिव बिहेवियर्स में कंसीडर करते हैं कि ग्रेजुअली जब बच्चा, अगर वो पहले 4 घंटे गेम खेलता था तो उसको एक सेटिस्फेक्शन होती थी, फिर आप ये नोट करोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो टाइम उसका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, फिर वो 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, 8 से 12 घंटे तक जो होता है वो एक्सेसिव यूज़ में चला जाता है. अब इसमें बच्चों के लिए उसको कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये एक ब्रेन केमिकल रिएक्शन है, वो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होता है. अब इसके नुकसान क्या हो रहे होते हैं कि आपका दिमाग एक ख़ास तरीके से ही काम करना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे पहले जो डिसएडवांटेजेस या साइड इफ़ेक्ट्स इसके आते हैं, इन बच्चों की मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन ख़राब होना शुरू हो जाती है. वो बच्चे अगर अपने स्कूल एक्टिविटीज़ में या अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो वो उतनी अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो मेमोराइज उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा जो बच्चे गेम पर एक्सेसिव टाइम गुजार रहे होते हैं उन बच्चों में इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है. लाइक उनमें एक बिहेवियरल चेंज ये होता है कि वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं एंड दे वॉन्ट टू गेट कंट्रोल ओवर अदर्स, जिसमें वो पेरेंट्स, बहन भाई, वो सब लोग उससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं. ये तो वो चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं जर्नली अगर बात करूँ तो आजकल के दौर में पेरेंट्स आकर हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं. इसके अलावा अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ
तो इन बच्चों की सोशल लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो रही होती है. जब एक बच्चा दिन का मैक्सिमम टाइम अपने मोबाइल पर, टैबलेट पर या स्क्रीन पर गुजार रहा होता है, तो उससे ये होता है कि उनके कम्युनिकेशनल स्किल्स इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. वो बच्चे उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो बच्चे लाइफ में चैलेंजेस उस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं. वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं और उनका ज़्यादा टाइम जो होता है वो स्क्रीन पर गुजरना शुरू हो जाता है. तो अगर मैं रिसेंट पिछले कुछ टाइम की बात करूँ, तो वहाँ पर ये इशू भी आना शुरू हुए कि बच्चों के एक्सेसिव गेम यूज़ की वजह से इन बच्चों में सेल्फ हार्म के केसेस बढ़ना शुरू हो गए. कि जहाँ पर पेरेंट्स उनके लिमिटाइज करते थे कि आप अपना गेम टाइम कम करें या आप अपनी स्क्रीन को रिड्यूस करें टाइम को, तो वहाँ पर ये बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते थे कि वो सेल्फ हार्म की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और सुसाइडल आइडिएशन उन लोग बच्चों में आना शुरू हो जाती है. तो इसलिए किसी भी चीज़ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए पहले जो चीज़ हमने करनी है, और बीइंग द पेरेंट्स इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है, वो है मॉडरेशन इज़ द की. जब हर चीज़ को आप एक मॉडरेट वे में यूज़ करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें मोर पॉजिटिव होते हैं, हम उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच सकते हैं. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. जहाँ पर चीज़ें आपके नॉर्मल टाइमिंग से, आपके नॉर्मल यूज़ से जो है वो बढ़ जाती है, वहीं पर उसके नुकसान होते हैं. सो ये वो दौर है जिसमें आप बच्चों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द डे वन अपने बच्चों के लिए कुछ लिमिटेशन सेट करें ताकि वो बच्चे उसी लिमिटेशन में रहते हुए अपने जो गैजेट्स है उसको यूज़ करें, ना कि मिसयूज़ करें. सो थैंक यू सो मच.